जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आज बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन छात्र परेशान है कि उनका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो पहली समस्या मैं आपको दूर कर दूं यहां से कि ये रिजल्ट जो है बिहार शिक्षक भर्ती के 11 से 12 कक्षा के लिए निकाला गया है, जहां पर हिंदी संकाय में, हिंदी विषय में आप लोगों का ये रिजल्ट दिया गया है। अब यहाँ पे हिंदी विषय में भी रिजल्ट दिया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हिंदी विषय में सिर्फ जनरल कैटेगरी के छात्रों का, जो कि मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी में छात्र आते हैं, दोनों ही कैटेगरी का हिंदी मेल और फीमेल कैटेगरी का 11th 12th के लिए ये रिजल्ट दिया गया है। अब आप समझ गए। तो अब 525 जो है ना, एक छोटी संख्या नहीं है ये 525। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर 525 ही जनरल में सिर्फ इतने ही है। तो नहीं, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, ये तो पहला हिंदी विषय का सब्जेक्ट है आपका 11th 12th के लिए, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही पहले से लोग छात्र जो है ना कम आवेदन कर पाए थे, क्योंकि देखिए 2019 में एसटीईटी बहुत लोगों ने नहीं दिया था, और चूंकि यहाँ पे जो आपका पात्रता परीक्षा मांगा गया था एसटीईटी 2019 वाला मांगा गया था, तो बहुत लोग का एसटीईटी नहीं था, जिससे कि कम आवेदन भी आए थे। तो टोटल सीट कितना था सर, तो 3200 का अभी देखिए टोटल सीट है, जहां पे सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी का ही मेल फीमेल छात्रों का रिजल्ट दिया गया है। अभी ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, पीएच कैटेगरी, इन सब का रिजल्ट आना बाकी है हिंदी में सिर्फ। तो अभी ये संख्या और बढ़ेगी, यानी कि 525 से यह ज्यादा जाएगी, तो टोटल 3200 सीट भरने का प्रयास है। यहां पर 3200 सीट है, तो यहां पे अगर इनको छात्रों, यहां पे छात्र मिलते हैं इनको, तो उसके अनुसार ये टोटल सीट भर जाएगी। 3200 सीटें भर जाएंगी सर या नहीं भरेंगी, तो ये देखिए, ये अभी आने वाला जो आपका रिजल्ट हिंदी विषय का, ये आपको अपडेट करेगा आने वाला जो रिजल्ट है। तो ये आज रात में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। चीजों को समझ लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे बहुत सारी छात्राएं हैं, चूंकि वो हिंदी से संबंधित हैं, और वो बोल रही कि सर इसके लिए आवाज उठाया जाए कि 5% के साथ रिजल्ट जारी किया जाए। तो देखिए, ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि देखिए ये रिजल्ट जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी का है। पहली चीज तो यहाँ पे नोटिस कर दिया गया है, ये कुल 525 उम्मीदवार जो है 11th 12th के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो ये जो है, अब अगर देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट, तो सबको बोलेगा सर कितना कट ऑफ गया होगा यहाँ पे। तो ये मेल और फीमेल, यानी कि देखिए यहाँ पे बोला गया था कि आप लोगों का टोटल, जैसे कि 200% पुरुष 100% हो गए और महिला 100% हो गई है ना, तो यहाँ पे 200% में अगर देखा जाए तो मात्र यहाँ पे जो है 16% का आपका रिजल्ट घोषित किया गया है, 200 में 16%। आप समझ रहे हैं कि ये रिजल्ट उतना है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी का यहाँ पर रिजल्ट है हिंदी विषय में। हिंदी में टोटल कितने मतलब यहाँ पे सीटें थी, तो 3200 के आसपास की सीटें थी यहाँ पे, जहां पे आप लोगों को ये जो है इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो अभी यहाँ पे ओबीसी का बाकी है, ओबीसी में भी मेल और फीमेल होते हैं, या एससी एसटी का बाकी है, इसमें भी मेल और फीमेल है, और इसमें भी मेल और फीमेल है, और पीएच कैटेगरी वाले भी छात्र हैं जहां पे मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अभी इन सभी कैटेगरी को देखेगा तो ये आपका जो सिलेक्शन कट ऑफ है वो बिल्कुल मिनिमम ही रखा गया है, ये तभी इतना रिजल्ट हो पाया। अब ये रिजल्ट आना बाकी है, तो हो सकता है कि ये 500 हर, अगर संकाय में देखा जाए, हर एक कैटेगरी में देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ भी 500, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500 और यहाँ भी 500 अगर देख ले, चलिए यहाँ पे 200 ही मानते हैं पीएच कैटेगरी में कि 200 ही होंगे, तो कितने हो गए भाई, तो 500 यहाँ हो गए, 500 यहाँ हो गए, ठीक है, 1000 हो गया, 1000 500 और 500 1000 यहाँ पे हो गया, तो ये आपका जो है 2000 हो गया। टोटल 2000 ही सीट अगर ऐसे देखिएगा तो भर पाएगा, या फिर अगर मान लीजिए कि कुछ पीएच कैटेगरी से 200-300 लोग आ जाते हैं, तो ये 2200-2300 लोग सीट भर पाएंगे, लेकिन 3200 टोटल सीटों में से अगर 2200 सीटें भर रही हैं तो कम थोड़ी ना है, सिलेक्शन अपने आधार पर लिया है, हाँ, लेकिन सीटें यहाँ पे बच जाएंगी तो उनका क्या। तो ये सीटें हो सकता है कि अगली बहाली में इसको ऐड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि एसटीईटी जैसा एग्जाम जो कि 2019 में हुआ था, वो एग्जाम देने वाले छात्रों की कमी थी, लेकिन इस बार तो एग्जाम ले लिया गया है और 2023 का एसटीईटी हो गया है। अब यहाँ पे जो है एसटीईटी जो रिजल्ट दे दिया गया है, तो अगला वैकेंसी में अगर ये जोड़ दिया जाएगा सीट बचा हुआ, तो वहां पे अब सीट कम हो जाएगा और छात्रों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए छात्राएं जो है खासकर ये मांग कर रही हैं कि सर यहाँ पे जो है 5% रिजर्वेशन जो आपको छूट मिलने की बात कही गई थी अतुल सर के द्वारा, उसकी मांग की जाए और ये जो है यहाँ पे दिया जाए हम लोग को छूट, ताकि ये सीटें यहाँ पे भर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो पाए। तो ये एक चीजें हैं यहाँ पे, आप लोग भी देख रहे होंगे इस रिजल्ट को लेकर। ये जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों यहाँ पे, अब इस नोटिफिकेशन में एक चीज और बताया गया है,
क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अभी आपको बताया इन सभी चीजों को, लेकिन जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें बता गया वहां पे, तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है इसमें बोला गया है कि आपका जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र है ना, जितने भी आपका जो है डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपके एजुकेशन से लेकर, उसकी जांच फिर से होगी। मतलब जांच उसमें मूल प्रति की जाएगी है ना, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका जांचा जाएगा, जिसमें कि असफल होने पर उनकी पात्रता या परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। तो अब यहां से आप लोगों से गलती ना हो आगे, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे छात्र, अभी एक छात्र का ही फोन आया था, उन्होंने कहा कि सर रिजल्ट 12th क्लास का खो गया है। तो ये जो है अभी BIEC जो है बोर्ड में गए अपना रिजल्ट बनवाए, लेकिन उस पर डुप्लीकेट रिजल्ट लिखा गया है, लेकिन उन्होंने वहां पे सब कुछ प्रमाणित करवा लिया है कि हमारा जो है रिजल्ट बन गया है, और ये प्रमाणित किया जाता है जो कि बोर्ड है वो उसने प्रमाणित किया है कि ये वही छात्र है जिनका कि रिजल्ट खो गया है, ये दोबारा डुप्लीकेट रिजल्ट यहाँ पे बनवाया, और वहां पे उन्होंने पुराना रिजल्ट अपलोड किया है। तो इस चीज को लेकर वहां पे जांच तो होगी, लेकिन इस अगर आप सही छात्र हैं तो आपको वहां पे जा थोड़ा सा बैठ के कन्विंस करना होगा, चीजों को बताना होगा, समझाना होगा कि सर ऐसी चीजें हमारे साथ घटित हुई। तो ऐसा होगा, बहुत सारे छात्रों का क्या होगा कि जैसे कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो आप जमा करेंगे तभी आपका मूल प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट जो है आपका कॉलेज से मिल रहा है, यूनिवर्सिटी से मिल रहा है। तो अब बहुत लोग तो प्रोविजनल फॉर्म भरते समय डाल दिए थे, लेकिन जब मूल प्रमाण पत्र आ गया यानी कि सर्टिफिकेट आ गया, तो उनका जो है प्रोविजनल वहां पे जमा हो गया। तो ये चीजें होंगी, ये बहुत सारे छात्रों के साथ समस्याएं होंगी कि जो लोगों ने वहां पे अपलोड किया है और उनके पास जो है मूल प्रमाण पत्र उसका ओरिजिनल आ गया है, तो वहां पे वो पुरानी चीजें नहीं दिखेंगी है ना। तो उस चीज को भी लेकर यहाँ पे जांच होगा। तो भाई अगर आप सही छात्र हैं तो सही चीजें मिल पाएंगी हमें यहाँ पे, लेकिन जहां पे गलती हुई तो वहां से आपका जो है कैंसिलेशन शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिखा गया है कि इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए जो भी कागजात या दस्तावेज को अपलोड कर सत्यापन के समय सक्षम पदाधिकार, यानी कि देखिए फिर से जो आपको मौका दिया गया था ना कि सक्षम पदाधिकार के द्वारा यहाँ पे आपको निर्गत करवाना है, अगर आप उसको बदल रहे हैं तो ठीक है, तो आपने बदला था है ना, चेंज किया था, दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं डालने को बोला गया था वहां पे, आपने क्या किया था, चेंज किया था। तो आप सक्षम पदाधिकार के द्वारा यहाँ पे जो है जो विभाग के समक्ष उपस्थित कराएंगे ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पे अपलोड जो आप किए थे, जो भी आपने अपने अधिकारी के द्वारा सिग्नेचर करवा के जो है अपलोड किया था वो आपको दिखलाना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दें कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने 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 पर स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। अब देखिए, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर आ रहा वाटरमार्क के फॉर्मेट में आप लोग के डॉक्यूमेंट पे, और बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि ये क्या है सर, तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे लिख के आ रहा है वो वाटरमार्क पे, लेकिन वो क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग का नया डॉक्यूमेंट्स है, नया चीजें हैं, तो नया जिसका इसका डॉक्यूमेंट है उसका वाटरमार्क नहीं दिख रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी प्रमाणता वहां पे रद्द नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जिसका जिसका पुराना डॉक्यूमेंट्स है ना, पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, तो उनके ऊपर यहाँ पे वाटरमार्क दे दिया गया। यहाँ पे बोला गया है इस चीज को लेकर कि देखिए आपको जो है ये चीजें बोली गई है कि इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो अपलोड किया गया था कागजात डाउनलोड कर सत्यापन किए थे, उस समय सक्षम पदाधिकार के विभाग के सक्षम उपस्थित करेंगे, तो उपस्थित करना होगा जो भी आपने डाला था ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर अब जो है रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित हो रहेगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, आप लोगों को वाटरमार्क रहेगा या नहीं भी रहेगा तो आप डरिएगा नहीं, आपका डॉक्यूमेंट्स अगर सही है तो आप उसको बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। कुछ लोग नए पुराने चीज को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया। फिर यहाँ पे बोला गया है कि अगर देखिए फिर भी आपको यहाँ पे BPSC बहुत चांस दे रही है, बोल रहा है कि अतः उक्त परीक्षा के संबंधित सशर्त के रूप में सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है, जो लोग सफल हुए हैं। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक या अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र पर आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर से अपने डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित कराकर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अब जो लोग सफल हो गए हैं, जैसे कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप अपना जो है डॉक्यूमेंट, क्योंकि क्या होता है ना कि वही लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड निश्चिंत रहते हैं जो कि चोर नहीं रहते हैं,
लेकिन जो चोर होंगे तो वो तो खुद पीछे लगे रहेंगे कि हमारा सब कुछ सही हो जाए, मतलब कि गलत रहेगा वो आदमी टेंशन में रहेगा, सब कुछ सही करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सही रहेगा ना वो टेंशन नहीं रहता, वो बिल्कुल निफिक्र रहता है कि चलो हमारा ही है ना, तो हम इस चीज को लेकर जो है वहां पे चीजें अपलोड कर देंगे। तो वो भूल गया है अगर किसी कारणवश, तो उन्हीं के लिए यह अपडेट दिया गया कि वैसे अभ्यर्थी जो कि राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेज पर अपना सत्यापित करवा लीजिएगा अगर वो चीजें अपलोड सही से नहीं हुई है तो, और पुनः शिक्षा विभाग में जब आपको बुलाया जाएगा यहाँ पे निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे जाए तो डेट आपको भी दिया जाएगा। पुनः आयोग के पोर्टल से वंचित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर यहाँ पर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, यहाँ पर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासी विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको वही चीजें डॉक्यूमेंट्स ले जाना है जिस पे कि वाटरमार्क होगा, ये ध्यान में रखिएगा, आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य और स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ पे तो लिखा गया है यहाँ पे कि जो बीपीएससी आयोग है, चूंकि आपको शिक्षा विभाग के पास जाके फिर से जमा करना है जब आपको डेट दिया जाएगा, है ना, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि वो जब फिर से अपलोड कर दिए, अपलोड करके जब डाउनलोड कीजिएगा उसको, तो वाटरमार्क ऑटोमेटिक उस पर आ जाएगा। जिनका वाटरमार्क नहीं आएगा, है ना, आयोग उसको स्वीकार नहीं करेगा, उस प्रमाण पत्र को मान्य स्वीकार नहीं होगा, ऐसा आयोग को आदेश दिया गया। अब यही सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि मैंने आपको बतानी थी इस वीडियो में। ये आपका जो है कट ऑफ सिनारियो को लेकर दिया गया है कि इसी सेक्शन पे जो है यहाँ पे आपका रिजल्ट लिया गया है, लेकिन ये हर विषय का अलग अलग हो सकता है क्योंकि छात्रों की संख्या हर विषय में अलग अलग है, तो यहाँ पे कट ऑफ सिनारियो या फिर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उस चीज को देखिएगा तो यहाँ पे अलग अलग है। अच्छा, इस चीज में सुधार भी किया जाएगा, ये जैसे कि आपका जो रिजल्ट दिया गया है हिंदी का ही ये रिजल्ट है, ये आपको बता दें, अभी बाकी और रिजल्ट आने बाकी हैं, देखिएगा तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको अभी लाइव दिखला दे रहा हूँ कि आपका जो है और बाकी का रिजल्ट धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा। जैसे कि हिंदी में 11th 12th का रिजल्ट दिया गया है और वो भी रिजल्ट सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों का दिया गया, यहाँ से देखिएगा तो ये चीजें लिखी गई है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों का ही सिर्फ रिजल्ट है जिसमें कि मेल और फीमेल में 525 छात्र सेलेक्ट हुए हैं। अभी ओबीसी एससी एसटी पीएच कैटेगरी के छात्र यहाँ पे आने बाकी हैं, ईपीसी के छात्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र आने बाकी हैं अभी, तो ये सारी चीजें। अब कटअप को भी मैंने समझा ही दिया यहाँ पे आप लोगों का, तो कोई भी अगर डाउट रहता है आपको इन सभी चीजों को लेकर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।